रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कुछ भाई सफ़ेद चादर के मुतालिक बता देता हूँ। मैं सफ़ेद चादर से मुराद ये है कि ज़मीन के ऊपर सफ़ेद चादर ओढ़ी गई है जी। यार होता क्या है, आपने, मैं आपको कुछ पिक्चर वगैरह, कुछ वीडियो वगैरह साथ में अभी दिखाता भी जाऊँगा। आपने एक मक्का मुकरमा एंड अलबाहा एंड ताश वाली साइड के कुछ मनाजर है। वैसे जद्दा में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ इलाकों में, और जद्दा के तमाम तलीमी अदारे बंद रहेंगे। आज भी बंद थे और कल भी बंद रहेंगे, ठीक है जी। और ताइफ की अगर बात करें, ताइफ का जो हदा रोड है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है, आप बारिशों के सिलसिलात को देखते हुए। अच्छा, पहले आपको मैं ये बता दूँ कि होता क्या है। देखें, आपने ताइफ में अगर कभी कोई सीन गुजारा है या तबूक में, मैं तबूक, ताइफ, खमीस से ऊपर सूदा जिसे बोलते हैं, इन इलाकों का वैसे विदर कर चुका हूँ। ताइफ से ऊपर शुफा एंड शुफा से आगे, मैं शुफा से आगे भी एक इलाका है वहाँ तक मैं, बनी साद जो बोलते हैं, बनी साद से भी आगे तक का, वहाँ तक का भी मैं, वहाँ तक भी घूम चुका हूँ। यकीन कीजिए, वहाँ पर भी बारिश जब हुई तो ऐसे बर्फ की चादरें ओढ़ी हुई थी। कैसे, यहाँ पर आपको जो पिक्चर में दिखा, वीडियो वगैरह दिखा रखा हूँ मैं। अच्छा, बात मैं मक्का में जो बारिश का हुआ सीन वो भी आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह। अच्छा, ये अलबाहा की वीडियोज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अलबाहा आपको पता है, अब गुनफिजा से, शकेक से, जो कि सबिया जैसे जजान वाली साइड पर, यहाँ से ऊपर जाए तो अलबाहा आ जाता है। वैसे खमीस से भी नीचे आप आ सकते हैं, तो खमीस के तकरीबन बराबर में बोल रहे हैं आप। दोबारा जी, अगर अलबाहा की ये वीडियोस हैं और आप देख रहे हैं बर्फ़ की चादर जो कि मेरे हिसाब से 6 से लेकर 1 फुट तक की हो सकती है, और शेवल और जेसीबी वगैरह लगी हुई हैं इनको इकट्ठा करने में, और पाकिस्तानी एक है जी, मैं देख रहा था, शायद आपने वीडियो भी देख रहे हैं, ये पहले देख ली उनकी, वो शायद फोरमैन है भाई साहब, सूट डाला हुआ है पाकिस्तानी, ऊपर कोट वगैरह डाला हुआ है, और उनको इशारे कर रहे हैं कि आ जाओ ले आओ। तो बहरहाल, ये एक तो अलबाहा के मनाजर थे जो मैंने आपको दिखाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग। एंड अभी जो वीडियो आपको देख रहे हैं वो मक्का अल मुकरमा की है जी। ये आज सुबह की है, मक्का अल मुकरमा में बारिश है, भी बारिश बोल रहे हैं आप इसे। और इसके अलावा मक्का के गदनवाह में, जैसा कि ये शराया वाली साइड आ जाती है जो कि ताइफ वाली साइड पर है, तो मक्का के अंदर ही, लेकिन ताइफ वाली साइड पर अगर जाएं तो वहाँ पर भी बर्फबारी के मनाजर देखने को मिले। तो मक्का में भी हैवी बारिश लगी हुई है, और अभी जद्दा में भी कुछ काम शुरू हो चुका है। जद्दा के मुतालिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वैसे अभी इससे कुछ एहतियाती तदाबीर के मुतालिक बोला जा रहा है, जैसे कि 911 एंड 999 के ऊपर आप कोई भी किसी किस्म की मदद आपको चाहिए तो इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं।